चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू IFMC, माई सेल्फ मनीष तनेजा, और आज हम फिर से आपके पास आए हैं। यहाँ पर एक नया कोर्स IFMC लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स। जब हमने UDTS यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजीज को लेके आए थे और उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उसमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने बोला था, सर आपने UDTS तो हमको सिखाया है लेकिन हमको कई चीज़ें तो मार्केट में क्लियर ही नहीं है और हम बिल्कुल अभी बिगनर हैं, तो क्या हमें मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको मना किया था कि अगर आप लोग बिल्कुल बिगनर हैं और आप लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो UDTS अभी आपके लिए नहीं है, और इसके लिए अगर आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं तो आपको थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये मनी मार्केट्स है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी गलती करी है तो उस गलती का मतलब नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा। यहाँ सॉरी बोल के काम नहीं चलेगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट सबको फैसिनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ROI है। जितनी भी एसेट क्लास हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो बॉन्ड्स हैं, और आप कुछ भी ले लें, तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स हैं वो स्टॉक मार्केट देता है। तो शायद इसीलिए सब लोगों को ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है। इसमें लिक्विडिटी बहुत फास्ट है, आप जल्दी से जल्दी पैसा डाल सकते हैं, उतनी ही जल्दी आप निकाल भी सकते हैं, और रिटर्न क्योंकि बहुत हायर है इसीलिए लोगों का इसके अंदर बहुत रुझान रहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं टीवी से देख के या अपने फ्रेंड सर्कल से देख के स्टॉक्स को ख़रीदते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत डेंजरस चीज़ है। हाफ नॉलेज तो मैं पहले ही बोलता हूँ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और बिना नॉलेज के आपको स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक नया कोर्स लेके आए हैं। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, और जैसे कि हमारे बाकी वीडियोस आपने देखे हैं बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में होते हैं, उसी तरह भी जो स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स हम लेके आए हैं, ये एक प्रयास है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करेंगे। इस कोर्स में हमने ऑलमोस्ट चारों मार्केट, जो मेन मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट, चारों मार्केट इसमें हमने कवर करी हैं। चारों मार्केट का ओवरव्यू इसमें आपको मिला है, और जनरली एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर हमें तो कैपिटल मार्केट में काम करना है तो हम कमोडिटी मार्केट या करेंसी मार्केट को क्यों पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी भी ये मार्केट्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर कमोडिटी के अंदर, या अगर मैं कहूँ कि ऑयल प्राइसेस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, या गोल्ड बढ़ रहा है, या सिल्वर गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट केवल कमोडिटी तक रहता है, उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आता है। स्टॉक मार्केट के कई स्टॉक्स जो गोल्ड से, ऑयल से जो प्रभावित होते हैं, तो उनका भी जो है उनके रेट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। तो जिन लोगों ने इंट्राडे पोजिशनल में काम करते हैं उनको लगता है कि बस हमें तो सर कैपिटल मार्केट में ही पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ज्ञान तो चारों मार्केट का होना चाहिए, वो बात अलग है कि आप फिर कैपिटल मार्केट में काम करते हैं या डेरिवेटिव मार्केट में काम करते हैं। अब अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, डेरिवेटिव कुछ नहीं है, ये डेरिवेटिव अपनी मदर मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट है, और मदर मार्केट से ही डेरिवेटिव निकल के आता है। जैसे कि एक ऑरेंज और ऑरेंज जूस में फ़र्क है, ऑरेंज को आप खाते हैं तो आप वैसे ही ऑरेंज खा लेते हैं, आप उसी ऑरेंज को जूस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो जूस है वो ऑरेंज से डेराइव हो जाता है। तो सेम वे डेरिवेटिव मार्केट कैपिटल मार्केट से अलग नहीं है, तो आपको दोनों मार्केट पढ़नी है, और इसके साथ साथ करेंसी और कमोडिटी को भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप ये चारों मार्केट नहीं पढ़ते हैं तो आपका फिर वही कि ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस
तो आज मेरे साथ मिस्टर गर्ग हैं जो हमारे सीनियर मेंबर हैं और मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूँगा। 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गर्ग साहब का है और बहुत सीनियर मेंबर हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। और हमारा जो नया कोर्स है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स, इसको बताने के लिए मेरे हिसाब से मिस्टर गर्ग से बेहतर और कोई भी नहीं हो सकता। तो मैं मिस्टर गर्ग से आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। मिस्टर गर्ग, आप बताएं सर, स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स जो आपने पढ़ाया, आपने इसमें क्या आपको लगा कि ये बच्चों को या हमारे व्यूअर्स को ये करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच कि मेरे को आप तो मतलब जो है एक इतनी बढ़िया वेबसाइट पे मेरे को बोलने का मौका दे रहे हो। और जहाँ तक स्टॉक मार्केट का और इसके फैसिनेशन का सवाल है, तो डेफिनेटली इट्स ए वेरी ग्लैमरस मार्केट। और ग्लैमरस जो है वो मतलब वो एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो सेम जो चीज़ है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर अप्लाई होती है। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का सवाल है, ठीक है, मेरे को 30-32 साल का एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपीरियंस है। और ये एक्सपीरियंस जो है, ये एक्सपीरियंस क्या है ये मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं मार्केट में, कितनी गलतियां करके कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हैं और कितना फाइनेंशियल लॉस करा है, वहाँ से एक्सपीरियंस आता है। एक्सपीरियंस खाली शेयर खरीद के और बेच कर नहीं आता। वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी गलतियाँ करने के कुछ कारण थे। जब हम स्टॉक मार्केट में एंटर हुए, कोई फॉर्मल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन हमें नहीं मिलती थी स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। आज पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। आज जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो इसकी एजुकेशन के ऊपर पैसा भी खर्चना चाह रहा है और उस किस्म की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो ठीक है, हमने गलतियाँ करी, उसका अंदाजा हमने भुगता है। तो मेरी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम यही कहते हैं कि पहले कुछ बेसिक चीज़ें जरूर सीखो, उसके बाद स्टॉक मार्केट में आओ। जहाँ तक आपने कहा कि, या मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि मान लो एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो जब पोल पे चढ़ता है, उससे अगर ये नहीं पता कि मेरा जो प्लास है वो लीक कर रहा है तो उसको सॉरी बोलने का मौका नहीं मिलता। वो जैसी तार को टच करेगा धड़ाम से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। सेम वे स्टॉक मार्केट में अगर आप गलती कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आपकी लीकेजेस कहाँ कहाँ हैं, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। उसके लिए अब ये जो हमारा जो बिगिनर प्रोग्राम है, इसमें हम कम से कम ये तो करें कि जो इन्वेस्टर या ट्रेडर स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहे हैं उनको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक चीज़ें पता हों। और जब बेसिक चीज़ें पता होंगी, कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद फिर हम उनको एडवांस बोर्डिंग कराएंगे और वहाँ से, ताकि वो एक परफेक्ट या मतलब जो है लीस्ट गलती करके स्टॉक मार्केट में काम करें। तो हमारा इस कोर्स में भी यही एक कोशिश है और अगले जो हमारे कोर्सेज आएंगे उनमें भी यही कोशिश है। थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों ने देखा कि मिस्टर गर्ग ने बताया कि स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स बहुत ही एक ज़रूरी कोर्स है जो हमारे जितने भी बिगनर्स हैं उनको करना चाहिए। और जैसे कि आप सब लोगों ने UDTS को लाइक किया है और जिस सिंपलिसिटी के साथ IFMC UDTS को लेके आया था, उसी सिंपलिसिटी के साथ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स बहुत ही पसंद आएगा और आप लोगों को लगेगा कि अगर आपने ये कोर्स किया है, ये ऑनलाइन वीडियो आपने देखे हैं, तो आप अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज देखेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द ऑनलाइन कोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगनर्स बाय IFMC। इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे और समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और समझेंगे स्टॉक मार्केट की चार लेग्स को, जो हैं कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। कैसे ऑपरेट करती है ये चारों मार्केट और क्या इंटरलिंकिंग है इन मार्केट का आपस में। ये कोर्स मार्केट के नए एंट्रेंस के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और IFMC का
प्रयास रहा है कि हर विषय को सरल तरीके से समझाए। इस कोर्स की क्लासरूम क्लासेस हमारे सेंटर पर कराई जाती है, पर समय के अभाव में या आप दिल्ली नहीं आ सकते तो वो लोग इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए लॉगिन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज 5,400 रुपए है, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें 9810216889 9810216089।